हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। 15 से 23 अक्टूबर शारदीय नवरात्र, चार राशियां होंगी माला माल, सातवें आसमान में रहेगा इनका भाग्य। हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि माता दुर्गा को समर्पित पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साल 2023 में शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और 23 अक्टूबर को नवरात्र समाप्त होंगे। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस बार नवरात्र पर सूर्य ग्रहण का साया बताया जा रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। लेकिन इसमें आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का नवरात्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार नवरात्र पर ग्रह और नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। इनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए नवरात्र विशेष रूप से फलदायी रहने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए यह नवरात्र पर खुशियां लेकर आने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको विशेष लाभ मिलने के योग हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस दौरान आपको अपनी मेहनत के सुपरिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए यह नवरात्र शुभ और उत्तम रहेगी। इस नवरात्र कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने के योग है। माँ दुर्गा आप पर विशेष रूप से मेहरबान रहेगी। इस नवरात्रि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने की संभावना है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी ज्यादा कारगर रहेंगी। नवरात्र में बन रहे शुभ संयोगों से जॉब में प्रगति और व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान आपको खूब तरक्की और आय के नए स्रोत प्राप्त होने के योग है। सिंह राशि। नवरात्र का पर्व सिंह राशि के जातकों के लिए कई महीनों में खास रहने वाला है। आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने वाली है। आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपके सामने आय के नए स्रोत आएंगे, जिससे आप अच्छा धन अर्जित कर पाने में सफल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए इस बार के नवरात्र बहुत ही लाभप्रद रहेंगी। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। मान सम्मान और धन में वृद्धि के भी संकेत हैं। परिवार का माहौल शांत और समृद्ध रहेगा। इस समय करियर में नए अवसर मिलेंगे और आपको अपनी कड़ी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक रूप से भी तुला राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्र काफी शुभ साबित होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे के ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।